नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साक के रवि बोलते हैं। तो दोस्तों, प्रकृति के वो तीन नियम जो तथागत बुद्ध ने मानव हित के लिए बताए थे, अगर वो आप तीन नियमों को समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी सुख में और खुशहाल कट सकती है। तो दोस्तों, वो तीन नियम कौन कौन से हैं ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला नियम है, यदि बीजों को उपजाऊ खेतों में सही समय पर नहीं बोया गया तो उस खेत में प्रकृति से घास फूस जम जाता है। उसी प्रकार मानव के दिमाग में बचपन से सकारात्मक विचारों को नहीं भरा गया तो नकारात्मक विचार ऑटोमेटिक भर जाते हैं, जो कि दिमाग पर बोझ बन जाते हैं। और वो विचार जो भर जाते हैं वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना भी भूल जाते हैं और वो बाद में अंधविश्वास और पाखंडवाद का कारण बन जाते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नियम की तरफ चलते हैं और देखते हैं दूसरे नियम में तथागत गौतम बुद्ध ने क्या बताया। जिसके पास जो होता है वह व्यक्ति वही बांटता है। जैसे जो खुशहाल व्यक्ति है, खुशी रहता है तो वो खुशियां बांटता है, दुखी व्यक्ति दुख बांटता है, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान बांटता है, भ्रमित व्यक्ति भ्रम बांटता है और डरपोक व्यक्ति डर बांटता है। इस चीज को जरा ध्यान से दोस्तों समझिएगा। अब दे लेते हैं नियम नंबर तीन की तरफ ध्यान। दोस्तों, जीवन में जो मिला है उसको पचाना सीखो और उसी में मस्त और खुश रहना सीखो। जैसे भोजन न पचने पर गैस की बीमारी हो जाती है, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ जाता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ जाती है, प्रशंसा न पचने पर अभिमान बढ़ जाता है, आलोचना न पचने पर शत्रुता बढ़ जाती है, गोपनीयता न बनी रही तो खतरा बढ़ जाता है, दुख नहीं पचा तो निराशा बढ़ जाती है और सुख नहीं पचा पाए तो पाप बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार तथागत गौतम बुद्ध ने तीन नियमों को परिभाषित किया था। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं और जो हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय सनातन, जय भीम, जय भारत।